टोटल एक्सपेंडिचर जैसा हमने कहा, क्या हम समझें कि ये जब 39.45 लाख करोड़ का ये एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट जिसका जिसकी हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं, दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड एट 6.4%, इसका मोटी मोटे तौर पर व्यवस्था के क्या संकेत इससे मिलते हैं उसकी हेल्थ? मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, दो साल से ज्यादा जो सरकार ने खर्चे बढ़ाए थे कोविड को लेके, अब उन खर्चों को कम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा पूरे नलके को बंद नहीं किया गया है, बूंद बूंद भी नहीं, परंतु जो एक धारा प्रवाह था शायद उसको कुछ हद तक कम करने का ये सबसे बड़ा संकेत है। अगला बड़ा अनाउंसमेंट जिस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, 2022 से लेकर 23 में जो एलोकेशन है 1 लाख करोड़ का, कि राज्यों को सहायता दी जाए कि वो कैपिटलाइज कर सके इन्वेस्टमेंट को, 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स, फंड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रिफॉर्म्स रिलेटेड टाउन प्लानिंग स्कीम्स, जो ये पीएम गति शक्ति योजना है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन टू राज्य स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बजट एक साल का बजट नहीं है, कई साल का बजट है, और 25 साल की रेफरेंस वित्त मंत्री जी ने की थी। जहां तक स्टेट्स का सवाल है, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, इसमें बड़ी बात है कि स्टेट्स को लोन्स लेने में भी दिक्कत हुई है, हमने देखा कोविड पैंडेमिक के दौरान। स्टेट्स की इस पे क्या रिएक्शन होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, पर बॉन्ड मार्केट में वहां पे रिएक्शन आ चुकी है। जिस दर पे, ब्याज दर पे सरकारें पैसा उठाती हैं, वो ब्याज दर इस बजट की अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा बढ़ चुका है, 530 बिलियन डॉलर का, माफ कीजिएगा, टोटल बजट सरकार ने, मैं डॉलर टर्म्स में दे रहा हूं, रुपये टर्म्स में भी बता दूंगा थोड़ी देर में, 530 बिलियन डॉलर का बजट इस सरकार ने अभी दिया। ये फास्ट राउंड है जो आप मेरे और सिद्धार्थ के बीच में देख रहे हैं, ताकि मैं एक एक अनाउंसमेंट पर जल्दी जल्दी आप लोगों की सरल भाषा में आप लोग समझ लें। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है सिद्धार्थ, और ये कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी का घटाने का इसका क्या मतलब है, ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए? देखिए, पहले सेशन में जब आपसे चर्चा करते हुए 2-3 हमने बिंदु उठाए थे, कार्बन इकोनॉमी को लेके ये एक बड़ा कदम है। ग्रीन बॉन्ड्स के नाते सरकार पैसा उठा पाएगी और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में लगाएगी। अगर इसको हम दूसरी एक बजट से बाहर की डेवलपमेंट के साथ जोड़ें, जहां पे कार्बन एक बिल आने वाली है, कार्बन ट्रेडिंग बिल इस सेशन में, बजट सेशन में, तो कुल मिला के कोयले से हट के सौर ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा की तरफ, हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ जाने का ये एक और स्टेप है। समय लगेगा पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। निवेश को लेकर हमेशा सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि आपने जो भी अभी तक बदलाव किए हैं उससे निवेश में क्या बढ़ोतरी हुई है, तो फास्ट फायर राउंड जो हमारा चल रहा है उसमें अगला सवाल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सरकार का सहयोग चाहिए। जब ये कहती है सरकार, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीड्स टू पंप पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीड्स टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? आउटले को इंक्रीज किया गया है 35.4% से, जो पहले 5.54 लाख करोड़ था उसको अब 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है 22-23 के लिए, ये क्या है? काफी अच्छा स्टेप है, और बहुत सरलता से अगर इसको समझे, अगर सरकार ये तय करती है कि 10,000 करोड़ का हाईवे बनाएंगे, हाईवे बनाने वाली सारी निजी कंपनियां हैं, वही निजी कंपनियां माल खरीदती हैं, स्टील, सीमेंट, बालू, रेता, और जॉब्स देती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स, तभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार से आपके मेरे द्वारा टैक्स पेयर जो ड्यूज हैं सरकार के पास, और कोई बड़ी कमाई नहीं होती है, उसी पैसा को निजी हाथों से इकोनॉमी में आम आदमी तक कमाई के नाते पहुंचाने का प्रोसेस है। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, जिससे लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, 2-3 वर्ष में, शायद 2024 में आप इसके बड़े असर देख पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को हमेशा पुश देने की कोशिश होती है। अब डिफेंस पर आते हैं सिद्धार्थ, सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर, 68% R&D बजट इन डिफेंस ईयरमार्क फॉर मेक इन इंडिया, जिस तरह से उसका एलोकेशन हुआ है, 25% जो डिफेंस का R&D बजट है उसमें से स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के लिए अलग से किया गया है, जो DRDO से लेकर SPV मॉडल, 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन डिफेंस डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आप रख रहे हैं 22-23 से, इसका क्या मतलब है? और भारत ने इस क्षेत्र में जो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट है उसको दूसरे देशों तक भी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है, ये कितना बड़ा बूस्ट आपको लगता है जल्दी से डिफेंस एलोकेशन? बीटिंग द रिट्रीट पे आपने एक छोटी कंपनी भारत की, जिससे हमें बहुत प्राइड मिलती है, उस कंपनी का एक जबरदस्त ड्रोन डिस्प्ले देखा, वहां लाइटें चमक रही थी। आप ये अनुमान लगाइए, R&D करके अगर वही ड्रोन
बॉर्डर पार जब बम गिराने की आवश्यकता पड़ेगी डालेगा तो क्या होगा, यही डिफेंस आत्मनिर्भरता है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बजट है, अभी भी हमारी रिलायंस फॉरेन इक्विपमेंट पे है, पर मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने 2014-15 से डिफेंस R&D और आत्मनिर्भरता को लेकर अलग अलग प्रयोग किए थे। कुछ प्रयोग में थोड़ी सफलता मिली, कुछ बिल्कुल नहीं बन पाए। अब शायद इससे 2-3-4-5 साल में हम टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे कि सारा सामान जो हमारे ब्रेव सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो भारत में बनता है, गोली भी भारत की, छाती जरूर दुश्मन। सरकार को क्या चाहिए? वोट। लोगों के हाथ में क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल पर जल्दी से आ जाते हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर जो कहा गया है, जो ऑक्शन की शुरुआत है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2022 में रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज के लिए, रोटी कपड़ा डेटा और 5G डेटा और तेजी से ज्यादा जो भी देखना चाहें लोग उसके लिए है, सस्ता शायद हो। स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सरकार लालच ना करे, बहुत महंगा स्पेक्ट्रम ना बेचे, नहीं तो शायद ये एक नई टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाएगी। ये मोबाइल पर ही रहते हुए जल्दी से ड्यूटी कंसेशंस का क्या मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सरकार बढ़ावा देने चाहती है। ड्यूटी कंसेशन मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग कैमरा मॉड्यूल, मतलब मोबाइल जो सबके हाथ में, अब इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये मैन्युफैक्चरिंग को लेके बूस्ट है। आपने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में अब काफी बड़ी संख्या में मोबाइल बन रहे हैं, हालांकि उसके कई पुर्जे ऐसे हैं जो विदेश से इंपोर्ट होके भारत में आ रहे हैं। अब इसको करने से जो फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में असेंबल होगा, जिसे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोला जाएगा, उसमें इनपुट कॉस्ट कम होगा, संभवतः मोबाइल हैंडसेट के दाम आगे जाके बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पीएम आवास योजना 48,000 करोड़ का उसके लिए एलोकेशन, 80,00,000 घरों को बनाने की बात की गई है, 60,000 घरों को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि बेनिफिशियरीज के तौर पर पीएम आवास योजना के लिए रहेंगे, रूरल अर्बन 60,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस पानी, ये जो घर घर जल की योजना है सरकार की, तो इसके जरिए भी वो अपना जो जनरल जो स्कीम्स है गरीबों के लिए उसको भी आगे ले जाती हुई सरकार दिख रही है। एक अपने सर पे एक पक्का छत और नल से पानी, जिससे गृहिणी को, महिला को पानी उठाने का कष्ट ना पड़े, और साथ में स्कूल को लेके बाकी चीजें आप जोड़ेंगे तो आप मोदी नॉमिक्स को लेके जो आवास योजना है और बाकी स्कीम्स हैं, अगर उसको हम विजुअली दर्शाएं तो ये मोदी नॉमिक्स बताता है कि हम आवास देंगे और गरीब के लिए आवास के लिए सरकार डायरेक्ट स्पेंडिंग करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है 100% उनका इंक्लूजन होगा, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज में कोर बैंकिंग सिस्टम में पोस्ट ऑफिस को लाना, इसका क्या मतलब? देखिए, जो लोग पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स करते हैं उनको इस बात से एकदम से लगाव होगा। पोस्ट ऑफिस की जो सारी नेटवर्क है वो एक आइलैंड है, वो एक ऐसा टापू है जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है। जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक्स हैं, उनके पास कोर बैंकिंग की टेक्नोलॉजी है जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो जो डाकघर बैंक बन जाएगा सिद्धार्थ, डाकघर बैंक बनना चाहिए। हाँ। और ये ज्यादा जल्दी और से और ज्यादा आपका बैंक एग्जीक्यूटिव डाकिये को तो बेचारे को बहुत सारे काम करने के लिए बोला गया, बट मैं मानता हूं आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि जो पोस्ट ऑफिस है और जो पोस्टमैन है वो लास्ट माइल पे हमारे देश की स्कीम्स की डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंट साबित हो सकता है। इस प्रोसीजरल डेवलपमेंट से भी फायदा होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जिसमें डिजिटल आप अपने डॉक्टर से रेफरल कर सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, डिजिटल रजिस्ट्री होगी जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स नर्सेस जो भी हों वो होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ, ये जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी निमहांस के जरिए है, तो क्या अब लोग ये मान रहे हैं कि कई बार आप आजकल टेली कंसल्ट ही कर रहे हैं ना डॉक्टर्स को, लोग वीडियो कॉल के जरिए पूछ लेते हैं कि सर देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ये दिक्कत है, अब कैसे इसका, और डॉक्टर उसी पर दवा भी लिख दे रहा है, उसी को सरकार ओन अप कर रही है। बिल्कुल, टेलीमेडिसिन 20-22-23-25 सालों से बात की जा रही है, 2 साल के पैंडेमिक में ये एकदम शायद सही सिद्ध हो रहा है और उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, जहां डिजिटल अवेलेबिलिटी का भी एक अभी
सवाल है, केवल कॉस्ट की बात नहीं है, कई बारी नेटवर्क और एक्सेस को लेकर सवाल उठते हैं, शायद ये उस तरफ एक और कदम है। फास्ट फायर राउंड में अभी दो तीन क्वेश्चन ही बचे हैं, उसके बाद से आप लोगों के पास आएंगे, सबसे सुझाव लेंगे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती है उस पर, और फिर मार्क्स भी जो पारंपरिक तरीके से हम देते हैं कि आउट ऑफ 10 कितना आप रैंक करते हैं इस बजट को। एमएसएमई के लिए क्या किया सिद्धार्थ? देखिए, उनके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी वो एक्सटेंड हुई, और एक पत्रकार के नाते ये खुशी है कि ये स्टोरी बिजनेस टुडे ने ब्रेक की थी, सही हुई। डिजिटल पुश में जब डिजिटल इकोसिस्टम में स्किलिंग लाइवलीहुड कई जगह आप खास तौर पर इंस्टीट्यूट्स में भी जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर वो चाहते हैं कि अब डिजिटल जो तरीके हैं उसको लेकर भी अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक बड़ा डिजिटल पुश में क्या क्या आप देखते हैं स्किलिंग को लेके? एक आपके प्रश्न को ऐसे अगर देखा जाए कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तकनीकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, वो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और उन जनरल सब्जेक्ट्स के बाद इवन स्नातक करने के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्किलिंग का मतलब है आपके पास वो ऐसा कौशल हो जिससे तुरंत रोजगार मिले। कई चीज़ें बोली गई हैं, स्किल इंडिया मिशन भी इसी सरकार ने लाया था पुरानी एक स्कीम को आगे बढ़ा के। मेरा ये मानना है कि ये सारे फर्दर इंक्रीमेंटल स्टेप्स हैं जिससे शायद लोगों को रोजगार मिल पाए, और रोजगार को लेके जो एक बड़ा आंकड़ा 60 लाख का बोला गया था उसको लेके, हालांकि वो कुछ सालों का एक प्रोजेक्ट है, शायद लोगों में कुछ खुशी हुई हो।